जयपुर एसीबी ने 2 करोड़ की रिश्वत मामले में आरोपी एसओजी एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को आज अजमेर एसीबी न्यायालय में पेश किया है, जहां से न्यायाधीश द्वारा दिव्या मित्तल को 3 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। इस दौरान दिव्या मित्तल से 5 स्थानों पर मिले दस्तावेजों के साथ ही रिश्वत प्रकरण को लेकर गहनता से पड़ताल की जाएगी। साथ ही उनके मोबाइल को भी जब्त किया गया है, जिससे विभिन्न जानकारियां निकल सकती है। इन सभी विषयों को लेकर जयपुर एसीबी दिव्या मित्तल से कड़ी पूछताछ करेगी। अजमेर एसीबी न्यायालय में पेश करते समय बचाव पक्ष के वकील प्रीतम सिंह सोनी द्वारा भी कई तर्क रखे गए। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण 1.5 साल पुराना है और इसकी सभी जानकारियां तमाम अधिकारियों के पास मौजूद हैं। वहीं इस प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज पहले भी सामने आ चुके हैं। दिव्या मित्तल इस जांच के दौरान और बड़े खुलासे करने वाली थी, लेकिन उन्हें टाइप के मामले में फंसाने का प्रयास किया गया है। ऐसे में रिमांड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तर्क के बाद एसीबी ने भी तमाम दस्तावेज बताते हुए बर्खास्त हुए आरोपी दिव्या मित्तल के दलाल सुमित कुमार के फरार होने की जानकारी दी। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर पोस्टिंग के दौरान दिव्या मित्तल ने किस तरह से पद का दुरुपयोग करते हुए संपत्तियां बनाई हैं, इसका आकलन भी किया जाना है। साथ ही इस मामले में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिव्या मित्तल से पूछताछ की जानी है। उनके पास मिले दस्तावेजों का भी सत्यापन कराकर अग्रिम कार्यवाही की जानी है। इसे लेकर 4 दिन का पीस रिमांड मांगा गया है। उनके बाद कुछ देर न्यायाधीश ने इस पूरी फाइल को देखते हुए एसीबी को 3 दिन के रिमांड के लिए दिव्या मित्तल को सौंपा गया है। अजमेर एसीबी के सरकारी वकील सत्यनारायण चितारा ने बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर एसीबी द्वारा गहनता से पड़ताल की जा रही है। ऐसे में 3 दिन के रिमांड अवधि के दौरान सभी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जानकारी ली जाएगी। तक का 3 दिन का रिमांड दिया, 20 तारीख को पेश करेंगे कोर्ट में। पूरा घटनाक्रम क्या है, तो क्या आपने मांग की थी, आपने कितने दिन की नहीं, ये मैं पूरी चीजें नहीं बता सकता। नहीं, तो क्या इसको पेश किया है और क्या रहा सुनवाई के दौरान? ये एडिशनल एसपी है दिव्या मित्तल, जिसको आज पेश किया था मैंने एसीबी कोर्ट के अंदर, और 4 दिन का पीसी का हमारा था रिक्वेस्ट, जो माननीय न्यायालय द्वारा 3 दिन का दिया गया पीसी, और उसमें जो आईओ है मांगीलाल चौधरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 20 तारीख को हम पेश करेंगे वापस। रिमांड को लेकर बहस भी हुई थी? जी जी, हाँ, बहस तो जो कानूनी बिंदु पर होती है, जो कोर्ट क्योरी करती है उसका हमें जवाब देना पड़ता है, जो भी है वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट की रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट और ये सब तो अनुसंधान की चीजें हैं, समय पे जो भी होगी कोर्ट में पेश होगी। अब तक क्या बरामद किया गया है, जो एक दिन इनसे ये की थी, तो इसमें ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो ओपन नहीं किया जा रहा है, बताया वो जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बारे में अभी कोई नहीं है। इसके अलावा क्या पूछताछ को महत्वपूर्ण है जो इनसे करनी है अब तक? वो अब किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, पीसी इसीलिए लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला बन रहा है, वो सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा, सब बातें आपको बताई जाएगी, सब आएगी चीजें, या पद के दुरुपयोग का जो भी चीजें हैं, एक केस होता है तो सब बातें होती है, सभी तरफ से इन्वेस्टिगेशन होता है, सभी तरह की जांच होती है। और तो कोई है इसमें ऐसा लगता है, और तो कोई लिखते हैं? अब आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं, तो मैं इसलिए बता नहीं सकता कि कैसे क्या रहेगी, इन्वेस्टिगेशन का रुख किधर रहेगा, कैसे रहेगा, है ना जी।